जूम टूल के जरिए आप अपनी फोटोज़ में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहज़ेब मलिकवान और आप देख रहे हैं जेबीज टेक्निक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जूम टूल क्या होता है फोटोशॉप में। वेल, सिंपली जूम टूल के जरिए आप अपनी फोटोज़ के जिस पार्ट पर जूम करना चाह रहे हैं, जूम इन करना चाह रहे हैं, जूम आउट करना चाह रहे हैं, वो आप जूम टूल के जरिए कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जूम टूल को किस तरह से फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडोब फोटोशॉप के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज के जरिए आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा जूम टूल क्या होता है। ये जूम टूल को हासिल करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने टूल बार में, और जैसे ही आप अपने लास्ट आइकन पे आएंगे जो एक मैग्नीफाई ग्लास है उस पर क्लिक करेंगे तो आप जूम टूल को एक्टिव कर लेंगे। सबसे पहले जी जूम टूल के प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। हमारे पास एक प्रेस प्लस का मैग्नीफाइंग ग्लास है और एक माइनस मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप अपनी इमेज को जूम करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने यहां से प्लस को एक्टिव कर रखा है तो आपने सिंपल क्लिक करना है और आपकी इमेज जूम होती जाएगी। जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे वहां से आप अपनी इमेज को जूम कर सकेंगे। और आप अपनी इमेज को जूम आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपली आपने क्लिक करना है अपने जूम आउट के यानी माइनस मैग्नीफाइंग ग्लास पे, और जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे तो आप अपनी इमेज को जूम आउट करते जाएंगे। तो इस तरह से जी आप फोटोशॉप में मौजूद जूम टूल के जरिए अपनी फोटोज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम दूसरे बात करें कि रिसाइज विंडोज टू फिट और जूम ऑल विंडोज। अगर आपने बहुत ज्यादा विंडोज खोल रखी हैं आपके पास, अगर मैं यहाँ से कॉपी क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करूँ, लाइक मेरे पास अब दो विंडोज हैं, एक ये है और एक ये है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ जूम ऑल विंडो पे, तो अब मैं जूम टू के साथ एक को भी जूम इन करूंगा तो दोनों जूम आउट होते इन होती जाएंगी, एक दूसरी को जूम आउट करूंगा तो दूसरी जूम आउट होती जाएंगी। बेसिकली जी मैंने तो कभी इस फीचर से मुझे तो कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, तो आप देख सकते हैं आप अगर इससे फायदा लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा जी अगर आपने जूम किया हुआ है अपनी इमेज को बहुत बड़ा, लाइक 100, आप चाह रहे हैं कि आप अपनी इमेज को 100% पे ले आए, तो उसके लिए आपने सिंपली एक क्लिक करना है इस अपने 100 जूम करंट विंडो टू 100%, तो आपकी इमेज 100% पे जूम हो जाएगी। और अगर आप अपनी इमेज को फिट ऑन स्क्रीन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने फिट स्क्रीन पर क्लिक करना है तो आपकी इमेज फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी इमेज को जूम कर रखा है लाइक 100 और आप अपनी इमेज को फिट ऑन स्क्रीन करना चाह रहे हैं तो सिंपली जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 दबाएंगे तो वही फिट ऑन स्क्रीन जो आपसे यहां से क्लिक करेंगे वही आप कंट्रोल 0 भी क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुल स्क्रीन पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फुल स्क्रीन में ये इमेज मौजूद है। तो बेसिकली जी ये हमारे पास बेसिक है जूम टूल की। इसके अलावा अगर आप किसी और टूल में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से ब्रश टूल में काम कर रहे हैं और आप जूम करना चाह रहे हैं और आप जूम टूल पर नहीं जाना चाह रहे, तो उसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो अपनी इमेज को जूम कर लेंगे, और कंट्रोल और माइनस दबाएंगे तो अपनी इमेज को छोटा कर लेंगे या जूम आउट कर लेंगे लाइक 100। और इस तरह अगर आप अपने नेविगेटर में आते हैं तो यहां से आपके पास ये एक छोटी माउंटेन है और ये एक बड़ी माउंटेन है। छोटी माउंटेन का मतलब ये है कि आप अपनी इमेज को जूम आउट कर रहे हैं और बड़ी माउंटेन का मतलब ये है कि आप अपनी इमेज को जूम इन कर रहे हैं। इसके अलावा आप नेविगेटर को पकड़ के जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मखसूस परसेंटेज देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50%, तो आप अपनी इमेज को 50% भी जूम कर सकते हैं लाइक। इसके अलावा अगर तो आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में मुझसे जान सकते हैं। वैसे ये बेसिक थी जूम टूल के बारे में। इसके अलावा आप फोटोशॉप में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 में एक मैन परफेक्ट। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी की सिखाई हुई बात आपको समझ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मैंने जूम टूल के बारे में जो कुछ जरूरी था आपको बता दिया है। तो इसके अलावा एक चीज रह गई है कि आप अगर यहाँ पे जूम टूल यूज कर रहे हैं और आपको यहीं से करना है अपनी इमेज को छोटा या जूम आउट, तो किस तरह से करेंगे आप? उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या सिंपली अपने कीबोर्ड जैसे ही ऑल्ट दबाएंगे तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा और आप ऑल्ट दबा के इसे यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप ऑल्ट छोड़ेंगे तो आप वापस आप प्लस मैग्नीफाइंग ग्लास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और टूल है जो अगर आपने करना ही है कि एक मार्की अराउंड ट्रैक करनी है अपने
मैग्नीफाइंग ग्लास यानी जूम टूल के साथ, तो जिस जगह पे आप मार्किंग करेंगे तो वो जगह आपके पास जूम हो जाएगी। लाइक सो, अगर आप इसको जूम आउट करना चाहें तो आपने क्लिक करना है, लेकिन अगर आप प्लस के साथ इसको इस तरह मार्किंग करेंगे तो आप इस तरह से अपनी इमेज में मौजूद जगह को जूम कर लेंगे मार्किंग करके। तो वेल जी, बेसिकली ये थी वीडियो आज की जूम टूल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी आज की लास्ट वीडियो है, मतलब फोटोशॉप की लास्ट वीडियो। इसके अलावा इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक सीरीज। तो मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक सीरीज में, तब तक आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।